हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th द फर्स्ट फ्लाइट बुक से इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी एक बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे ली गई है। ये थर्ड पार्ट है और इसके पहले मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर से 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। चूंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर था इसलिए मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिगर्स के साथ हमने इस पार्ट को बनाया है ताकि जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको लिटरली ना पता चल सके उसको आप फिगर देख के समझ जाएं। वन थिंग मोर गाइस, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस पार्ट को शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं हर पार्ट में बताता हूँ यार, कि ये सारी बातें नेल्सन मंडेला खुद कह रहे हैं उनके ओन वर्ड्स में है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात की। इन लाइफ, जिंदगी में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर इंसान के 2 कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर इंसान की, वो उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। और जो दूसरी कर्तव्य होता है उसका, वो अपने लोगों के प्रति, टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और इंसानी समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। हर इंसान इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपने इच्छा के अनुसार और अपने जो काबिलियत होती है उसके अनुसार। हर इंसान इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये लगभग लगभग नामुमकिन सा था कि एक इंसान जो मेरे कुल का हो, मेरे बर्थ का हो और मेरे कलर का हो, मतलब काले कलर का हो, उसे दोनों ही कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जाता था, बिल्कुल असंभव था पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लीव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक आदमी जो कि कोशिश करता है कि वो अगर इंसानों की तरह जिए, वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया जाता है और उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक ऐसा इंसान जो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता है अपने लोगों के प्रति, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे फोर्सफुली, जबरदस्ती अपने परिवार से एंड हिज होम, और अपने घर से रिप्ड किया जाता है, अलग किया जाता है, एंड वॉज फोर्स्ड, और उस पर दबाव दिया जाता है टू लीव अ लाइफ अपार्ट, कि वो अपनी जिंदगी अलग जिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, कैसे अपनी जिंदगी जिए, एक सांझ का जो प्रकाश होता है ना, अंधकार सा होता है, ट्विलाइट का मतलब होता है जो सूर्यास्त होने से पहले जो प्रकाश आसमान में होता है उसको ट्विलाइट कहते हैं। कहा जा रहा है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए जो अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है, उसको साउथ अफ्रीका में कैसे जीना पड़ता था, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक अंधकार भरा जीवन, सिक्रेसी, गोपनीयता से रहना पड़ता है उसे, और एक विद्रोही की तरह उसे अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, शुरुआत में तो मैंने अपने लोगों को, अपने जो देश के लोगों को, अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने कोशिश की कि मैं अपने लोगों की सेवा करूँ, आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जा रहा है फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है। एक बेटे के तौर पर जो मेरा कर्तव्य है, एक भाई के तौर पर जो मेरा कर्तव्य है, एक पिता के तौर पर, एक पति के तौर पर जो मेरा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों से मुझे रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मैं ये भूख लेके पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आजाद ही होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आजाद पैदा हुआ था। मैं किस तरीके से आजाद था, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से आजाद था, दैट आई कुड नो, मैं जितना जानता था मैं
उस हर तरीके से आज़ाद था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं आज़ाद था कि मैं खेतों में दौड़ सकूं, नियर माय मदर्स हट, जो मेरी माँ के झोपड़ी के बगल में खेत थे वहाँ पर मैं दौड़ सकूं, इसलिए मैं आज़ाद था, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज, वो साफ पानी की धारा, क्लियर स्ट्रीम मतलब साफ पानी की धारा जो मेरे गाँव से होकर गुजरती थी उसमें मैं तैर सकूँ, मैं इस चीज़ के लिए आज़ाद था, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं आज़ाद था कि मैं मिलीज का मतलब भुट्टे, ठीक है, भुट्टों को मैं रोस्ट कर सकूँ, पका सकूँ अंडर द स्टार्स, खुले आसमान के नीचे मैं अपने जो भी भुट्टे होते हैं, मिलीस एक ऐसा डिश होता है जो भुट्टों से मिलकर बनता है, ठीक है, तो मिलीस को आप भुट्टा मत समझिएगा, मिलीस एक ऐसा साउथ अफ्रीकन डिश है जो भुट्टे से बनता है। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं तब आज़ाद था कि मैं खुले आसमान के नीचे मिलीस को रोस्ट कर सकूं, जो धीरे धीरे चलने वाले बैल होते हैं गांव में उनके पीछे जो गाड़ी लगी होती है, जो बैक्स लगी होती है, उस पर मैं राइड कर सकूं, उस पर मैं सैर कर सकूं, मैं इन चीज़ों के लिए आज़ाद था, और एस लॉन्ग एस आई ओबेड माई फादर, और जितने लंबे समय तक मैंने अपने पिता की बात मानी एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जाति अपने कुल के नियमों से रीति रिवाजों से मैं जब तक घिरा रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती थी इंसानों के नियम से, जो इंसानों ने नियम बनाया था काले और गोरे लोगों में फ़र्क, और जो भगवान का नियम था उन चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी जब तक मैं अपने समाज के रीति रिवाजों से घिरा रहा, ठीक है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और तब एक समय आया जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया कि जो मेरे बचपन का आज़ादी था ना वो एक इल्यूजन था, वो एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने पाया कि जो मेरी आज़ादी है वो तो पहले ही मुझसे छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तभी वो समय था जब मैं अपने आज़ादी चाहने लगा, मेरे अंदर भूख पैदा हो गई आज़ादी के लिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं आज़ादी केवल अपने लिए चाहता था, द ट्रांजिटरी फ्रीडम, मैं एक टेम्प्रोरी आज़ादी चाहता था, ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ताकि मैं रातों में बाहर रुक सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं वो पढ़ सकूं जो मुझे अच्छा लगता है, एंड गो वेयर आई चूज, और मेरी जहां इच्छा हो मैं वहां जा सकूं, केवल विद्यार्थी के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर मुझे केवल यही आज़ादी चाहिए थी। लेटर, लेकिन बाद में एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं जोहान्सबर्ग में रहने लगा, जोहान्सबर्ग एक साउथ अफ्रीका में जगह है, मैं जब वहां पर रहने लगा तो एज अ यंग मैन, एक जवान आदमी के तौर पर, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैं बहुत उदास रहने लगा था, मुझे चाह होने लगी थी जो मेरे मौलिक अधिकार थे, जो मेरी बेसिक राइट्स थी, और जो एक सम्माननीय आज़ादी मिलती है हर इंसान को, कि वो अपने पोटेंशियल, अचीविंग माई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कि मैं अपने पूरी क्षमता से काम कर सकूं, ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं, मैं अपना पालन पोषण कर सकूं, ऑफ मैरिंग, जो शादी करने की आज़ादी होती है, हैविंग अ फैमिली, एक परिवार रखने की जो आज़ादी होती है, मुझे एक ऐसी आज़ादी चाहिए थी, द फ्रीडम, एक ऐसी आज़ादी चाहिए थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जिसे एक कानूनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना दे, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी कि अगर मैं कानून के हिसाब से जीऊँ तो कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो मुझ पर अत्याचार कर सके, या जो मुझ पर दखल अंदाजी मेरे निजी जीवन में डाल सके। But then I slowly saw that, लेकिन तभी मैंने धीरे धीरे ये देखा, that only was I not free, केवल मैं अकेला ऐसा नहीं था जो आज़ाद नहीं था, but my brothers and sisters were not free, मेरे भाई और बहन भी थे जो मेरे जैसे दिखते थे, वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट, मैंने ये देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड, ये केवल मेरी आज़ादी नहीं थी जिसे छीन लिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई
डिड, लेकिन वो हर इंसान जो मेरे जैसा दिखता था, जो मेरे कुल का था, काला कलर का था, उसकी आज़ादी छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वो तभी समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वो पार्टी ज्वाइन की जो पार्टी वाइट्स के खिलाफ लड़ रही थी। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और ये तभी की बात है जब मेरे खुद, जब मैं खुद की आज़ादी चाहता था, वो भूख बढ़ गई मेरी और अब मैं अपने लोगों की भी आज़ादी चाहने लगा था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इट वॉज दिस डिज़ायर, ये जो मेरी इच्छा थी जो कि मैं अपने लोगों को आज़ाद कर सकूं और मैं उन्हें ये हक दिला सकूं कि टू लीव देयर लाइफ्स, कि वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी, सम्मान से और सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सकें, इस इच्छा ने मेरी ज़िंदगी एनिमेट करके रख दी, बदल करके रख दी। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इसी इच्छा ने एक डरे हुए आदमी को, एक डरे हुए यंग मैन को एक साहसी व्यक्ति बना दिया। और इसी इच्छा की वजह से दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और यही इच्छा थी अपने लोगों को आज़ाद करने की जो मेरी इच्छा थी, इसी इच्छा ने एक नियमों के पालन करने वाले अटॉर्नी को, लॉयर को, एक कैदी बना के रख दिया, एक क्रिमिनल, एक दोषी बना के रख दिया। दैट टर्नड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्यार करने वाला जो पति होता है, एक ऐसे इंसान को एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, एक ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान को ऐसे जीना पड़ा जैसे कि सन्यासी की ज़िंदगी वो जी रहा हो। तो यहाँ पर 3-4 चेंजेस नेल्सन मंडेला ने अपने अंदर बताए हैं कि जब वो अपने लोगों को आज़ादी दिलाना चाहा उन्होंने, तो उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। जब वो जवान आदमी थे, डरते थे वो, अब वो साहसी व्यक्ति बन चुके थे। वो एक लॉयर थे, अब लॉयर से वो क्रिमिनल बन चुके थे। एक दोषी, एक कैदी बन चुके थे। That turned, जो परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उन्हें परिवार से दूर रखा गया, घर से दूर रखा गया। जो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उन्हें एक सन्यासी की ज़िंदगी जीनी पड़ी, मॉन्क की ज़िंदगी जीनी पड़ी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा वर्चुअस था, मैं बहुत ज़्यादा धर्मात्मा था, या मैं बहुत ज़्यादा बलिदान देता था अपने चीज़ों का देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे इंसानों से। लेकिन बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये पाया कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। जो एज अ लॉयर, एक लॉयर के तौर पर, एक वकील के तौर पर, जो मुझे छोटी बहुत, जो थोड़ी बहुत और लिमिटेड आज़ादी मिली थी, मैं उसको भी इन्जॉय नहीं कर पा रहा था। जब मैंने ये जाना, वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मेरे जो मुझे खुद की आज़ादी मिली थी, मैं उसे भी इन्जॉय नहीं कर पाया। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, या आज़ादी को टुकड़ों में नहीं दिया जा सकता कि चलो तुम्हें थोड़ी आज़ादी मिल गई, तुम्हें ज़्यादा आज़ादी मिल गई। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर मेरे किसी भी आदमी पर या मेरे किसी भी लोगों पर बेड़ियां हैं, तो वो बेड़ियां केवल उस पर नहीं है, मेरे सभी लोगों पर बेड़ियां हैं, ठीक है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और अगर मेरे सभी लोग कैदी हैं या मेरे सभी लोगों के पैरों में बेड़ियां बनी हैं, तो वो चेन, वो बेड़ियां मेरे ऊपर भी हैं, मतलब मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं ये जानता हूँ कि जो अत्याचारी है उसको भी आज़ाद करने की ज़रूरत है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जैसे कि जो अत्याचार जो करता है और जिस पर अत्याचार किया जाता है, दोनों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की आजादी छीनता हो, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो एक नफरत का कैदी है, लोग उससे नफरत करने लगते हैं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, वो एक ऐसे बेड़ियों के पीछे है जहां पर, प्रिजुडिस मतलब उसे खुद नहीं पता कि वो दूसरों को,
दूसरों के ऊपर किस लिए अत्याचार कर रहा है, उसकी छोटी मानसिकता की वजह से वो कैदी है और इसलिए उसे आज़ाद करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं खुद भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एस आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और उसी तरीके से जैसे अगर मेरी आज़ादी कोई ले लेता है तो मैं आज़ाद नहीं रह गया, वैसे ही जो आज़ादी लेता है वो भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं होता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमिनिटी, अत्याचारी और जिस पर अत्याचार किया जाता है वो दोनों ही समान रूप से उनको उनकी इंसानियत से दूर रखा गया है, उनके अंदर की इंसानियत मिटा दी गई है। तो ये था हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी अगर इस स्टोरी के पढ़ना है आप तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की एक बुक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी, वहाँ से जाके ये पूरा बुक इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो आप पढ़ सकते हो। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।